फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आज की ये रीडिंग या मैसेजेस आप तक पहुंचे, क्योंकि अगर ये आप तक पहुंचे तो उनका पर्दाफाश होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग आपको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं। कौन है ये लोग, क्यों नहीं चाहते कि ये रीडिंग आप तक पहुंचे या ये मैसेजेस आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। हु आर दीज पीपल हु आर एवर्स दैट यू फाइंड आउट दीज मैसेजेस और दिस रीडिंग। दे आर एवर्स टू दिस, व्हाई? क्यों उनको डर लगता है कि ये मैसेजेस आप तक नहीं पहुंचने चाहिए। होते हैं हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे जो आपका ही खाएंगे और उसके बावजूद आपसे ही धोखा भी करेंगे। फ्रेंड्स, आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपके पैसे पे पैरासाइट की तरह फीड कर रहे हैं। अब ये पैसा जरूरी नहीं आपने ही कमाया है, लेकिन ये पैसा आपका जरूर है। अगर किसी ऐसे पर्सन का है जिससे आप डायरेक्टली बायोलॉजिकली एसोसिएटेड है, लीगली एसोसिएटेड है, उस पैसे पे इनका हक है, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता होगा। पर क्या होता है, हमारे आसपास के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर, जैसे ये लोग आपके ऊपर खुद ही, खुद को ही इन्होंने आप पे थोप दिया है, अपने आप को आप पर थोप दिया है, और आपको ये रियलाइज करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम कि ये आपकी जिम्मेदारी है, जबकि आपको पता ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ आपकी लायबिलिटी है। जिम्मेदारी में और लायबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन ये लोग आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत ही आपके नज़दीकी लोग हैं, मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको समझ आ गया है कि कैसे ये आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। दो चेहरे हैं इनके, दो चेहरों में ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। एक चेहरा जो आपके सामने, जिससे ये बहुत सारे नंबर आपसे लेते रहते हैं, झूठी झूठी बातें करके आपको अच्छा फील करा के ये आपका दिल जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में कुछ और ही चल रहा होता है कैलकुलेशन इन लोगों का। बहुत तेज है अपने दिमाग से, और ये एक पर्सन नहीं है, दो तीन लोग हैं जो आपको पैरासाइट की तरह आपको या आपकी फैमिली को ये खा रहे हैं। फाइनेंशियली, इमोशनली ये आप लोगों को खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी तारीफें करते हैं, आपके लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों के बीच में जब आप होते हो ना, तब आपको ऐसा फील कराते हैं कि ये आपके ऊपर तो बस फिदा ही है। लेकिन जहां आप हटे, जहां आप नहीं हो, ये इतना आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें शेयर करते हैं कि लोगों की नजरों में आप की वैल्यू खत्म हो जाए या आपकी फैमिली की वैल्यू खत्म हो जाए। पर लोग भी अंधे नहीं होते, खुद लोग चाहते हैं कि आप ये रीडिंग देखें, आप ये मैसेजेस को समझें। लोगों को पता है कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, ये लोग आपकी लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। आपको या आपकी फैमिली वालों को इनको संभालना पड़ रहा है, एक जिम्मेदारी नहीं, एक मुश्किल को समझ के, बर्डन समझ के आप संभाल रहे हैं। लेकिन शायद ये आप लोगों की अच्छाई है, ये आपकी आपका बड़प्पन है कि आप कुछ नहीं कह रहे इनको। होता है ना, पास्ट में कोई ऐसा वादा ले लिया जाता है आप लोगों से, कोई ऐसा वादा ले लेता है कि आप इनका ख्याल रखेंगे ब्ला ब्ला, और आपको ये चीज़
कितने लंबे टाइम तक करते रहने पड़ती है। लेकिन अब वक्त आ गया है, एंजल्स का भी मैसेज है, वेक अप नाउ, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग। बहुत किया आप लोगों ने, ये अप्रिशिएट किया जाता है, कुदरत अप्रिशिएट करती है। लेकिन जब कोई आपके पेशेंस को चैलेंज करता रहे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। बहुत आपने किया, बहुत आपका शोषण हुआ, आपको पैरासाइट की तरह ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स की तरह आपका फाइनेंसेस भी खा रहे हैं, आपको इमोशनली भी खा रहे हैं, आपको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे समझना ही नहीं चाहते। और इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि आपको ये रीडिंग मिले या आपको ये मैसेजेस मिले। ये नहीं चाहते कि आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप में कोई बदलाव आए, आप में कोई फर्क आए। जिस तरह से आपको कंडीशनिंग आपकी की गई है ना पास्ट के कुछ इवेंट्स की वजह से कि आपको ये करते ही रहना पड़ेगा, आपको इसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पाप करेंगे, आपको इस पागलपन से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। यूनिवर्स चाहती है अब आप अपना दिमाग चलाएं। बहुत किया, अब इनको ये फील कराओ कि आपकी लिमिट यहाँ है, या तो आप हमसे अलग हो जाओ या हमको अलग कर दो। अब इससे ज़्यादा हम खुद को आपके लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते या खर्च नहीं कर सकते। कभी कभी हम सिर्फ पैसे ही नहीं खर्च करते, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के पीछे खर्च कर देते हैं, बस किसी वादे के तहत, किसी पास्ट के किसी पर्सन के वादे लेने की वजह से, वादा लेने की वजह से हम वो सब करते रहते हैं जो हमको नहीं करना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सच में आपको जिम्मेदारी उठानी है, जिनके लिए आपको सच में अपना टाइम देना है, पर आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, और इन लोगों को पाल पाल कर, इन लोगों के लिए सब कर करके आप ख़त्म हो रहे हैं इमोशनली और फाइनेंशली। तो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है दैट यू नीड टू शार्पन योर माइंड, यू नीड टू वेक अप फ्रॉम दिस फॉल्स प्रॉमिसेस। ये सब फेक वादे हैं जो किसी ने इनके लिए आपको करवाए हैं, ये आप इससे, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। बहुत आपने किया, आपकी फैमिली ने बहुत किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने किया, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई कर रहा है, कुछ ऐसे रिलेशंस को संभाल रहा है जो आपको ख़त्म कर रहे हैं। रिलेशनशिप हम बनाते हैं ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, गिव एंड टेक करने के लिए। कुछ आप करते हैं, कुछ वो करते हैं, लेकिन आप करते रहें, वो सामने कुछ ना करे, ये बिल्कुल गलत रिलेशनशिप है। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं जो आपको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और नहीं चाहते कि आप ये रीडिंग को देखें। आपकी पेशेंस को बहुत आजमाया गया है, बहुत चैलेंज किया गया है, अब वक्त आ गया है आप खुद के लिए या उन लोगों के लिए बहुत कुछ करें जिनके लिए आप सच में कुछ करना चाहते हैं। बहुत आपने अपने आप को दिया, बस अब वक्त आ गया है आप इनको, इनकी जो लिमिट्स हैं वो समझा दें। इट्स टाइम, नहीं तो आपको और बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ये आपके लिए मैसेज है, बहुत स्ट्रिक्ट यूनिवर्स के मैसेज है कि अब आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। ये शोषण की जो साइकिल चल रही है, एक्सप्लॉयटेशन की, इसमें से आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वेक अप कॉल देना है खुद को भी और इन लोगों को भी, क्योंकि आपकी और भी ज़रूरी जिम्मेदारियां हैं जिनको आपको पूरा करने का वक्त आ चुका है। इन लोगों को बहुत आपने संभाला, इनके लिए बहुत किया, अब वक्त है ये खुद अपनी जिम्मेदारियां उठाएं और आपसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद ना रखें। मैं जानती हूँ ये चीज़ एक दिन में नहीं होती, लेकिन जब आपने ये मैसेज देखे, जब आपने ये रीडिंग देखी, प्रोसेस तब से शुरू हो जाना चाहिए। ये यूनिवर्स का आदेश है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो एफर्मेशन है वो ये रहेगा, आई रिस्पेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड द मैसेजेस गिवन बाय द यूनिवर्स। मैं समझ चुका हूँ, समझ चुकी हूँ ये जो मैसेजेस हैं रीडिंग के थ्रू जो मुझे यूनिवर्स देना चाहते हैं। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग, उससे भी कम एक सिंपल सा यस, और आप देखेंगे ये जो भी खेल चल रहा है ना आपके आसपास अपने आप ख़त्म हो जाएगा और आप सेफली इसमें से बाहर आ जाएंगे।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों पे नज़र रखिए। ये अंधा भरोसा बहुत बुरी चीज़ है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। किसी ने वादा किसी से लिया, किसी को दिया, आपको बीच में फंसा दिया, आप इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज यूनिवर्स का आज आपके लिए आया है। मेरा काम था आपको ये मैसेज पहुंचा देना, मैंने पहुंचा दिया है, बाकी आपके हाथ में। अब आप ये सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।